हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लिलोजी रिपेयरिंग में। फ्रेंड्स, आज आया है अपने पास ये हीरो ड्यूट बाइक का, स्कूटी का स्पीडोमीटर। आज इसी को हम ठीक करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका आपको प्रॉब्लम दिखा दे रहा हूँ। तो मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने से पहले आपको पता होना चाहिए वायर्स कहाँ लगाने हैं, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, आपका मेरा 12 वोल्ट माइनस का वायर यहाँ सबसे लास्ट वाली पिन में, इधर वाली में लगा है, और पॉजिटिव वायर जो है वो इधर की सबसे लास्ट पिन में लगा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसमें सप्लाई ऑन करता हूँ। ये मैंने सप्लाई दे दी है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में नीला लाइट जला है। स्पीडोमीटर भी काम नहीं किया है और पेट्रोल टैंक भी इसका कुछ काम नहीं कर रहा है। तो और ये स्पीडोमीटर का आप ये देखेंगे तो ये पहले से बीच में अटका हुआ है, 20 की स्पीड पे परमानेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है। इसमें जितने भी स्क्रू आपको दिखाई दे रहे हैं सब इसके खोलने हैं, और पीछे साइड में भी जितने स्क्रू आपको दिखाई दे रहे हैं सब आपको खोलने हैं, सिवाय ये दो स्क्रू आपको नहीं खोलने हैं। तो मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी डिस्प्ले में ये स्पॉट्स हैं जिनको हटाया जा सकता है। ब्लैक स्पॉट्स आपको नज़र आए रहेंगे, लेकिन अपन डिस्प्ले का इसमें काम नहीं करेंगे क्योंकि कई मामलों में डिस्प्ले रिपेयर करते वक्त ख़राब हो जाती है। तो जैसा है कम से कम वैसा रहे। अभी हम ये जो चल नहीं रहा है, स्पीडोमीटर भी काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले में भी कुछ नहीं आ रहा है, वो सब का हम अभी ना पेट्रोल का ये कुछ बताता है, तो ये सब पे हम काम कर रहे हैं अभी। और डिस्प्ले में भी तो ये कुछ दिखा नहीं रहा है। इसके बाद आपको इसकी नीडल्स जो हैं वो आपको निकाल लेनी है। तो इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको दो पेचकस लेना है। आपको इस तरह से दो पेचकस लेना है और यहाँ लगाना है और उसको उठाना है। ये आपका सीधा सीधा निकल आया है, देखिए बाहर, ये बाहर आ गया है। इसके बाद सेम इसको भी आपको ऐसे ही करना है, दो पेचकस लगाने हैं और सीधा उठाना है। कोई गलती नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना ये नीडल्स कई मामलों में टूट जाती हैं, तो सेपरेट निकल जाएंगी। इसके बाद आपको ये दो स्क्रू भी इसके खोल लेने हैं। तो मैं खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स, मीटर चाहे जो भी रहे, सबका रिपेयरिंग का कंसेप्ट एक ही है। इसके बाद ये आपका ओपन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ये तीन स्क्रू भी इसके ओपन कर लेने हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको ये डिस्प्ले बाहर निकालनी है। तो डिस्प्ले बाहर निकालने के लिए आपको इसके सारे ट्रैक जो हैं ये, इनको डी सोल्डरिंग करना है। तो डी सोल्डरिंग करके मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं डी सोल्डरिंग कर दिया है। अब अपना डिस्प्ले भी ईजिली बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए अब मैं सिंपल इसको बाहर ले लेना है। अगर आप डिस्प्ले के ये लैग्स जो हैं डी सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। तो ये मैंने बाहर ले लिया है डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो काम रहता है हमारा, इस मदरबोर्ड में रहता है। तो आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में पानी गया हुआ, वाइट स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पानी गया है, यहाँ पानी गया है, ये सब जो धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब पानी के धब्बे हैं, पानी इसमें गया है। लेकिन इस साइड में, नीचे साइड में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पानी यहाँ गया है। ये पानी के धब्बे रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम एक ही प्रोसेस है इसको रिपेयर करने का। सबसे पहले आप इसका क्लीनिंग कर लो ताकि प्रिंट्स आपको अच्छे से दिखाई दे पाए। ओके, फ्रेश पीसीबी है फ्रेंड्स ये, तो सब में एक ही कंसेप्ट रहता है। सबसे पहले आपको इसका, मैं मीटर को थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक D1918 ट्रांजिस्टर रहता है। सबसे पहले अपना मेन सप्लाई इसी पे आता है, इसके बाद 5 वोल्ट बनते हैं, ये इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको इसका कोल्ड टेस्टिंग ले लेना है। तो मैं इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रख लिया हूँ। तो अभी आप देखिए, ये जितनी भी ये ब्लैक कलर्स में जो लगी हैं ये सब डायोड्स हैं। तो आपको प्रॉपर डायोड्स की टेस्टिंग लेनी है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो एक साइड में आपको रीडिंग देखने को मिलेगा लगभग 600 के आसपास की, और दूसरे साइड में आप प्रोब बदल के लगाएंगे तो कोई रीडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये सभी डायोड्स, जितनी भी ब्लैक कलर्स में ये लगी हैं छोटे छोटे पार्ट्स, इन सब का आपको टेस्टिंग ले लेना है। तो मैं जल्दी से ये टेस्टिंग ले लेता हूँ सबका। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी लगी थी मैंने सबका टेस्टिंग ले लिया है, इनमें से कोई मेरे को फॉल्टी नहीं पाया है। अब हम इसका हॉट टेस्टिंग लेंगे, मतलब इसमें सप्लाई दे के हम टेस्टिंग अब लेंगे। तो मैं सप्लाई वायर्स इसमें लगा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स सप्लाई वायर मैंने लगा दिए हैं, अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का लाइट्स इसमें जल गया है। इसके बाद एक प्रोब को, मल्टीमीटर को आपको डीसी 20 की रेंज में रख लेना है, तो मैंने डीसी 20 की रेंज में इसको सेट कर दिया है। एक प्रोब को आपको ग्राउंड कर लेना है, तो ग्राउंड फ्रेंड जहाँ आप माइनस का वायर लगाएं वही अपना ग्राउंड होता है, तो मैं यहीं से ग्राउंड ले लेता हूँ। चलिए अब आपको सबसे पहले यहाँ 12 वोल्ट आपका आता है, देखिए यहाँ पे आपका 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और इधर से ये 12 वोल्ट आउट करता है। फ्रेंड्स ये जो दिया गया है सर्किट ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसमें 12 वोल्ट इन होता है और इधर से सिग्नल इन होता है, थोड़ा सा वोल्टेज कम करके इस पर स्विचिंग कराया जाता है और इधर से आपका रेगुलर 12 वोल्ट ही निकलेगा, चाहे आपका कितना ही वोल्ट सप्लाई दीजिए आप, 20-25 वोल्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन इधर से आपका 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। तो लगभग ये आपका 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ है, यहाँ से ये सप्लाई फ्रेंड्स सीधा जो है ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, तो ये 12 वोल्ट जो है इस कैपेसिटर पे, मतलब ये एक रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पे इसका काम है कि ये 12 वोल्ट इन लेगी और 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर के लिए आउट करेगी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अब वो 12 वोल्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ 12 वोल्ट ये देखिए इस कैपेसिटर पे जो 16 वोल्ट का है ये इसका प्लस है, इस पे आपका ये 12 वोल्ट नहीं पहुँच रहा है, जो कि यहाँ से आउट होना है। तो यहाँ से आप ट्रैक चेक करेंगे, ये देखिए ट्रैक इधर से आ रहा है और इसके बाद ये ट्रैक सीधा यहाँ आ गया है और यहाँ आपका केवल 0.87 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ के बीच में ही है, तो ये अब इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? अब वोल्टेज अपन ड्रॉप भी नहीं मान सकते क्योंकि ड्रॉप होना रहता तो इस लाइन में नहीं होगा, यहाँ पर ड्रॉप होगा सीधा, तो यहाँ पर ड्रॉप आपका नहीं हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये ट्रैक जो है ये पानी गया था इधर से, आप देखिए तो पानी की वजह से कहीं ना कहीं ये ट्रैक, ये देखिए यहाँ अपने को दिखाई दे रहा है ये ट्रैक यहाँ से डैमेज हो गया है। ये ट्रैक जो है, मैं सबसे पहले सप्लाई बंद कर देता हूँ, ये पानी इधर से गिरने की वजह से, आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जूम कर ले रहा हूँ, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये पानी आया, पानी आने की वजह से ये ग्राउंड है आपका दोनों तरफ और ये बीच में 12 वोल्ट का एक ट्रैक आ रहा है, ठीक है, जो कि इस आईसी से, ये देखिए ये ट्रैक चलते हुए नीचे से होते हुए ये कैपेसिटर पे आ गया। तो ये ट्रैक जो है आपका, ये आपका शॉर्टिंग है यहाँ से, तो इस ट्रैक को आपको छीलना है यहाँ से और रीसोल्डिंग करना है, एक वायर आपको जम्पर कर देना है यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ से कुरेद के साफ कर लिया है, तो ये पानी आया, पानी आने की वजह से यहाँ ग्राउंड में और 12 वोल्ट की सप्लाई ये बीच में है, तो इनके बीच में शॉर्टिंग बनी, तो ये यहाँ से ट्रैक कट चुका है, तो इसलिए ऐसा वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से हम इस ट्रैक को वापस से जोड़ देंगे, तो मैं जोड़ के और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स सोल्डरिंग मैंने कर दी है, अब एक बार टांका अपना कहीं से भीड़ तो नहीं गया है सोल्डरिंग कैपेसिटर के प्लस माइनस पे, आप एक बार कंटिन्यूटी में टेस्टिंग ले लें, तो मेरा यहाँ कोई बजर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये देखिए तो सोल्डरिंग अपना सही हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और सप्लाई देके देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए अब डिस्प्ले तो हम नहीं लगा सकते बार बार में सोल्डरिंग हटा के लगाना ये सब, तो एक काम करता हूँ मैं पेट्रोल का ये मीटर का ये सुई लगा लेता हूँ, अगर ये हमारा ऑपरेट होता है, हल्का सा लगाएंगे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो अगर अब ये हमारा ऑपरेट होता है, पेट्रोल का ये ऑपरेट हो जाएगा, तो समझ लीजिए हमारा सब कुछ चालू हो गया है इसमें। तो मैं सप्लाई देता हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स पेट्रोल का जो है ये निडल ये अपना चालू हो गया है, मतलब ये वाला निडल भी अपना चालू हो गया। इसको मैं इसलिए नहीं लगाया हूँ अभी क्योंकि ये पूरा शाफ्ट सहित निकल आया था बाहर, तो इसको भी हम लगा देंगे। अब हम इसको वापस से फिट कर लेंगे, जैसा जैसा खोले थे वैसे वैसे हम वापस से इसको फिट कर लेंगे और फिट करने के बाद देखते हैं इसमें क्या बदलाव आता है, कितना अपना ठीक हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं सप्लाई देता हूँ और ये देखिए अपना डिस्प्ले चालू हो गया है, स्पीडोमीटर भी मैं लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ पेट्रोल और स्पीडो का फिर से। तो इसके लिए मैं पहले ये फिट कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि निडिल को अपने को किस सिधाई में लगाना है वो अपने को पता रहे, इसलिए ये लगाना ज़रूरी है पहले। तो मैं लगा के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने फिट कर लिया है, अब मैं इसको चालू करता हूँ।
ये देखिए अपना मीटर एकदम ओके हो गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।